नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22,000 पदों को लेकर जो भी नई बड़ी अपडेट है, साथ ही साथ फोर्थ काउंसलिंग में किन लोगों का नंबर आने वाला है, गुणा के कितना नीचे गिर सकता है, साथ ही साथ हम बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थियों ने अपने कागजों का जो संशोधन कागज थे उनका सत्यापन कराया है, कितने लोगों को उसमें मंजूरी दी गई है, किन किन लोगों को रोक दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणांक की, कि गुणांक कितना नीचे गिर सकता है, फोर्थ काउंसलिंग में कितने लोगों को मौका मिल सकता है। और ये बात इस चीज से रिलेट कर लीजिए कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया, बस सरकार किसी पचड़े में ना पड़े, किसी पंगे से बचने के लिए यह फैसला लिया गया कि आप लोग जो लोग जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई थी उन्हें रीकाउंसलिंग का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई वो कहीं और जो है वो नियुक्ति पा बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन था, इसलिए उन लोगों ने काउंसलिंग नहीं कराई। मुश्किल से 150 से 200 लोग पूरे प्रदेश में ऐसे सामने आ रहे हैं जिन लोगों ने जानबूझकर काउंसलिंग को छोड़ा था। तो ऐसे लोगों की संख्या कम है, इस बात से आप लोग बेफिक्र हो सकते हो। साथ ही साथ एनओसी वाले लोगों को बिल्कुल मना कर दिया गया, एनओसी नहीं दी गई, तो ये संख्या भी जो है वो काफी बड़ी हो गई है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो किसी ऐसी बड़ी त्रुटि के कारण कि संशोधन हमारा भी कर दीजिए, उन लोगों को भी इसमें मौका नहीं दिया गया। सिर्फ उन लोगों को मौका दिया है जिनके माता पिता के नाम में कोई त्रुटि रही है, कारणवश उन्होंने जो अपने मार्क्स हैं वो कम या ज्यादा लिख दिए, सिर्फ उन लोगों को तवज्जो देते हुए संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया, क्योंकि वो लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट में जाके तो सबकी बात जो है वो मान ही जाती है। बट आपके लिए सुकून की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं रही है। ये आंकड़ा जो है कल सुबह दिखा जाएगा कितने लोगों ने इसमें पूरी काउंसलिंग कराई गई है और उसी के हिसाब से कितने लोगों को इसमें नियुक्ति दी जाएगी। बट साथ ही साथ जब इतने कम लोग हैं तो क्या अब फोर्थ काउंसलिंग का जो गुणांक है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाला है? तो इसको लेके बता दूं, ये मैक्सिमम संख्या अगर टोटल 8,000-8,500 पद हम मान के चलते हैं जो बचे हैं, तो उनमें से अगर 300-400 लोगों ने भी ये काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, तब भी आप ये मान के चलिए कि आपके पास 7,000 पद बचते हैं तो भी गुणांक बहुत नीचे नहीं गिरने वाला। गुणांक इस वक्त ये स्थिति में है कि पॉइंटों में जो लोग हैं वो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बैठे हुए हैं, पॉइंटों में गुणांक जो है वो नीचे गिरेगा, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो। हाँ, एससी एसटी की कैटेगरी में बहुत बड़ा लोगों ने जंग जो है वो जीत ली है कि एसटी की सीटें एससी में शामिल हो जाएंगी, तो 1133 जो एससी वाले कैंडिडेट हैं, मतलब इनका गुणांक काफी नीचे गिरता हुआ दिखेगा। 1133 एससी वाले अभ्यर्थियों को जो सीट है वो मिल जाएगी, तो ये खबर इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं 22,000 पदों को लेकर, तो गुणांक गिरने का सबसे बड़ा एस्पेक्ट जाएगा 22,000 पदों को लेकर। 14 तारीख को देशव्यापी धरने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा सचिव के आवास के सामने धरना किया जाएगा। धरना बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस चीज को मैं जायज ठहराती हूं, क्योंकि इसी जगह पर ये धरना हुआ जिस धरने के मदद से एसटी की सीटें जो है एससी में शामिल की गई। बट आप लोगों से एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मैं आप लोगों से कह रही हूं, आप लोग जगिए, उठिए, घर में मत बैठिए, ये वो लास्ट स्टेज है, जब इलेक्शन का टाइम है आप लोग अपने लिए आवाज रेज कर सकते हो। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पेज पे मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए इस मुहिम में आप लोगों के साथ खड़ी हूं। बट एक चीज के लिए आप लोगों से जरूर मैं निवेदन करूंगी कि हम लोग होने वाले भावी शिक्षक हैं। चलिए मैं तो ऑलरेडी हूं इस डिपार्टमेंट में, बट आप लोग इसी डिपार्टमेंट में आना चाहते हो तो ये हमारी गरिमा को कतई शोभा नहीं देता कि हम अपनी उस लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बोले जिसे हमने चुना है। कहने का, बात रखने का तरीका होता है, तो उस प्रतिक्रिया से आप सब लोग अपनी बात रखे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। किसी भी तरीके से आप किसी आक्रोश में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी मत कर देना जिसका खामियाजा जो है वो फिर आपको भविष्य में भुगतना पड़े। बहुत संयम से, बहुत समझदारी से आप लोगों को काम लेना है, एकजुट होना है। आप ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, फेसबुक पेज का दे रखा है। आप लोगों को अपनी मुहिम, अपनी एकजुटता, एकता जो है वो दिखानी है, अपनी संख्या बल दिखाना है, बट बहुत ही शांति के साथ, बिना किसी उग्र के साथ, कोविड के अपने प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो भी एक मुद्दा बन सकता है आप लोगों को, पूरा सैनिटाइजर, मास्क, सब चीजों का प्रॉपर ध्यान रखते हुए अपना जो संख्या बल है
वो आप अपनी सरकार को दिखाइए कि इतने लोग मेजोरिटी में ये बात कहना चाहते हैं, इतने अभ्यर्थी हैं जो आपकी योग्यता के हिसाब से योग्य है, तो हमें नौकरी दे दीजिए। रहम कर सकते हैं हम, रहम मतलब कहते हूँ ना कि अगर कोई बात आपकी बहुत उग्रता के साथ नहीं सुनता तो आप उसे रहम की गुहार लगाइए। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि अहिंसा जो है वो हिंसा से बहुत बड़ा शस्त्र है, तो उस अहिंसा का सहारा लेकर जिसपे पूरा देश कहा जा सकता है कि आजाद हो गया बट संख्या बल दिखाया तब ऐसा हुआ, तो उसका आप लोग सहारा लीजिए। किसी तरीके की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, काम आपका बन जाएगा अगर आप लोग उठेंगे। उल्टे पुल्टे आपको कमेंट करना, उल्टी उल्टी पोस्ट करना, उससे कोई भी औचित्य नहीं निकलेगा। जब आपका संख्या बल बड़ा होगा ना, जब आपकी बात ज्यादा कानों तक जाएगी, जब बात मीडिया में जाएगी, तब ऑटोमेटिकली जो है आपकी बात सरकार के कानों तक बार 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 पिंग की जाएगी, उनके कानों में वो बज जाएगी और उसका असर जो है वो लोगों पर होगा, सरकार पे होगा, बाकी समाज पे होगा कि अच्छा गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज कर रही है, यानी कि लोगों के अगेंस्ट जो है कोई डिसीजन ना ले क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इस बात का सरकार भी ध्यान रखेगी। तो आप लोगों को इस चीज का जो है खास तौर पर ध्यान रखना है, बहुत ही समझदारी से आप लोगों को 14 तारीख को होने वाले जो धरना प्रदर्शन है उसमें शामिल होना है। आखिरी समय है, कम गुणांक वाले सभी लोग घर से निकलिए, इसमें शामिल होइए, इसमें भाग लीजिए, ये आप लोगों के पास आखिरी मौका है। मैं कह सकती हूँ जो लोग कम गुणांक वाले हैं तभी आपका गुणांक गिर सकता है, और 22,000 सीटें बहुत होती हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, अच्छा खासा गुणांक गिर जाएगा, आप लोगों को इसमें मौका मिल सकता है। और आप कोई बेईमानी की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपकी हक की सीटें हैं जिसके लिए आपको आवाज उठानी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सोच के आप अपने आप को जगा लीजिए। ये सोच के जगा लीजिए ना कि 14 तारीख को आप नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, ये पॉजिटिविटी के साथ आप वहां चले जाइए। बस इस पॉजिटिविटी में जो आपका आक्रोश है वो किसी भी तरीके से सरकार के नियमों की अवहेलना ना करे, ये ध्यान रखना है। आप होने वाले भावी शिक्षक हैं, अगले दिन या फिर अखबार में बड़ी बड़ी खबरें छपती है ना कि वहां पे प्रदर्शन हो रहा था शिक्षकों का, तो उन्होंने इस तरीके के शब्द बोल दिए या इस तरीके से उनके खिलाफ जो है पुलिस ने कार्रवाई, वो चीज बहुत ज्यादा दिल को दुखाती है क्योंकि शिक्षक जो है इस समाज की सबसे सुंदर छवि है, तो उसे आप लोग किसी भी तरीके से खराब नहीं करेंगे, इस चीज की मैं आप लोगों से बिल्कुल आशा कर सकती हूँ। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक आप लोग जुड़ सकते हैं, सबका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ट्विटर पर जो हैशटैग है वो ट्रेंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो ट्विटर का पोस्ट जो है मैंने वो आप लोगों को दिया है, आप ट्विटर के पोस्ट को बार बार रीट्वीट करिए तो वो चीज भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। फिर से एक बार बोलूंगी कि अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के जाना क्योंकि जो मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन है अदरवाइज आप तक नहीं पहुंचती। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।